नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम देखने वाले हैं दुपट्टा हो, साड़ी हो या फिर आपकी कुर्ती या कमीज हो, उसके ऊपर इस तरह से गुम सिलाई की मदद से हम लेस या बॉर्डर किस तरह से अटैच कर सकते हैं। आप देख सकते हो पूरी तरह से यहाँ पर इनविजिबल स्टिच है और ये पूरी सफाई के साथ हमने लेस अटैच की है। इस ट्रिक को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। ढाई मीटर दुपट्टे में अटैच करने के लिए मैंने 7 मीटर लेस ले ली है। तो सबसे पहले लेस अटैच करने से पहले दुपट्टे के दोनों साइड से हमें 1/4 इंच यानी 1/5 इंच अंदर की तरफ मोड़कर सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से मोड़ लूंगी और फिर हम यहाँ पर सिलाई लगा कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर डबल फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक साइड से सिलाई लगा कर ले ली है। सेम इसी प्रकार में यहाँ पर दूसरे साइड की ओर से भी सिलाई लगा कर ले रही हूँ। आप चाहो तो डबल फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हो। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैंने लेस ले ली है। आपकी लेस चाहे जितनी चौड़ी हो, तरीका सेम रहेगा। अब यहाँ पर मैंने 1/2 इंच आगे की तरफ लेस को छोड़ दिया है और यहाँ से हम लेस स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंच आगे की तरफ छोड़ना है। यहाँ पर किनारे से होते हुए हम लेस को अटैच करेंगे। सिलाई एकदम किनारे से लगाने हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही में बेल के बटन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो की सूचना आपको मिले। अब सिलाई लगाते हुए हम कॉर्नर तक आ गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। तो सिलाई को पूरी तरह से कॉर्नर तक यानी कोने तक लेके जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट तक हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पर लेस को साइड में ले लिया। अब लेस को हम यहाँ एकदम अच्छी तरीके से देखिए इस लेवल में रखते हुए ऊपर की तरफ मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद ऊपर और नीचे दोनों साइड की लेस एक दूसरे के ऊपर बराबर से रखनी है। रखने के बाद आपको लेस की चौड़ाई नापनी है। तो मेरी लेस की चौड़ाई यहाँ पर 2 इंच को 1 पॉइंट कम, इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब जितनी भी मेरा मार्क है उतना हम लंबाई में लेस को नापेंगे और वहाँ पर भी मार्क करेंगे। अब इस मार्क से हमें तिरछी सिलाई लगानी है। सिंपल है, यहाँ पर मैंने लाइन खींच दी, बस हमें उस लाइन से होते हुए तिरछी सिलाई लगानी है। जितनी लेस की चौड़ाई है उतना ही लंबाई में मैंने लिया और वहां से तिरछी लाइन खींच दी। अब बस हो गया यहाँ पर हमारा। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए लेस को साइड में ले रही हूँ। अब इस लेस को मैं इस तरह से यहाँ पर मोड़ दूंगी। मोड़ने के बाद आप देख सकते हो ऊपर की तरफ ये कितनी सफाई से दिख रही है। सिलाई आपको ऊपर की तरफ जरा भी नजर नहीं आएगी और इससे आपके काम में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है। अब आप चाहो तो लेस को यहाँ पर कट भी कर सकते हो या वैसा ही रख सकते हो। तो मैंने एक्स्ट्रा के कट कर दिया और इसको फिर से मोड़ के मैं यहाँ से सिलाई को शुरू करूंगी। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सुई को अंदर की तरफ ही रखना है, सिर्फ हमें दुपट्टे को घुमाना है और फिर से हम सिलाई को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो दुपट्टे को अच्छे से नीचे की तरफ रखिएगा, उसके ऊपर लेस रखिएगा और किनारे से दोनों को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम सिलाई लगाते हुए आगे के कॉर्नर तक जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा कॉर्नर आ गया है। यहाँ तक हम इसी तरह से सिलाई को कोने तक लेके जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद फिर से हम लेस को ऊपर की तरफ लेंगे।
दोनों यानी ऊपर और नीचे दोनों लेस के पार्ट एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखने हैं। अब ऑलरेडी हमने यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है टेप के ऊपर, तो फिर से हमें लेस की चौड़ाई नापने की जरूरत नहीं है। तो जितनी चौड़ाई है उतना हम लंबाई में भी मार्किंग करेंगे और यहाँ से हमें सिंपली तिरछी सिलाई लगानी है। इस तरह से आपको मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ से सिलाई तिरछी लगा दीजिएगा। तो यहाँ से हम सिलाई को तिरछा यानी कोने में बाहर निकाल देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी। अब सुई को मैं अंदर की तरफ ही रखूंगी, बस मैंने दुपट्टे को घुमाया। अब लेस को हम इस तरह से लेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये एक्स्ट्रा का पार्ट कट कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसको वैसा ही रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद लेस को हम अच्छे से आगे की तरफ लेंगे और सिलाई को कंटिन्यू करते हुए आगे जाएंगे। इसी तरह से हमने दो कॉर्नर यहाँ पर अच्छे से सिलाई करके ले लिए हैं, जो कि गुम सिलाई हमने लगाई है। अब हम यहाँ पर तीसरे कॉर्नर में आ गए हैं। तीसरा कॉर्नर भी सेम उसी तरीके से हमें करना है। लेस को मैं यहाँ कोने तक मैंने सिलाई लगा दी, लेस को मैंने ऊपर की तरफ लिया, ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है उस मार्किंग के अकॉर्डिंग मार्क कर दिया और तिरछा मार्क करके उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी। अब सुई को मैं अंदर की तरफ ही रखूंगी, यहाँ पर एक्स्ट्रा का कट कर दूंगी लेस, और दुपट्टे को घुमाते हुए लेस को अच्छे से अंदर की तरफ डाला और सिलाई को लगा दिया। तीन कॉर्नर हमारे यहाँ पर पूरे हो गए हैं। अब हम लास्ट यानी चौथे कॉर्नर के ऊपर आए हैं, जहां से हमने स्टार्ट किया था। अब हम यहाँ पर एंड में आ चुके हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ की जो सिलाई है वो हमें किस तरह से लेनी है, तो ये जो पहली वाली लेस है इसको बाहर की तरफ खोल दीजिएगा। खोलने के बाद ये वाली सिलाई हम यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ कॉर्नर तक हम सिलाई लेके आएंगे। बस सिलाई हमारी नीचे वाले लेस के ऊपर नहीं चढ़ेगी। तो यहाँ तक मैंने सिलाई लगा दी। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा की लेस होती है उसको हम कट कर देंगे। तो बस मैंने इस तरह से लेस को कट किया, बस मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लेस छोड़ी है ऊपर की तरफ फोल्ड करने के लिए। फोल्ड करके मैं यहाँ पर पिन लगा दूंगी। और ये जो नीचे की लेस है उसको भी बस आधा इंच ही छोड़िएगा, हमारा यहाँ पर ज़्यादा छोटा था। उसको भी मैंने इस तरह से फोल्ड किया और उसके ऊपर मैं पिन लगा दूंगी। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमें कॉर्नर में किस तरह से फोल्ड करना है। दोनों तरफ पिंस लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद दोनों लेस हमारे एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। इसको अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। रखने के बाद हम यहाँ पर टेप लेंगे, क्योंकि टेप के ऊपर हमारे लेस की चौड़ाई का मार्किंग है, तो बराबर से उस मार्किंग के अकॉर्डिंग ही नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे। ये हमारी लेस की चौड़ाई का मार्किंग है, तो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद यहाँ से भी हम इस तरह से तिरछी सिलाई लेंगे। तो पिंस को मैंने निकाल दिया है ऊपर और नीचे के, फोल्ड को वैसा ही रखेंगे और बस हम यहाँ से सिंपली तिरछी सिलाई लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लॉक कर दिया डबल सिलाई लेके, फिर मैंने सिलाई को आगे की तरफ लेके यहाँ पर भी लॉक कर दिया। धागे को मैंने कट कर दिया। अब ये एक्स्ट्रा की लेस हम कट कर देंगे। कट करने के बाद देखो ये हमारा इस तरह से दिखेगा। अब इसको हम सीधी साइड में मोड़ेंगे तो आप देख सकते हो इसकी सिलाई भी पूरी तरह से अंदर की तरफ चली गई और ऊपर की तरफ ये पूरी सफाई से दिखेगा। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये कॉर्नर हमारा अच्छे से बैठे। यहाँ से सिलाई हम कोने तक लेके आएंगे, सुई को अंदर की तरफ रखेंगे और फिर से हम 1 से 2 इंच आगे की तरफ सिलाई लेंगे। अब ये पूरा अच्छे तरह से बैठा है, लेकिन हमारे अंदर की साइड अभी भी खुली है,
बस हमें यहाँ पर अब किनारे से सिलाई लगानी है। तो अंदर की तरफ से हम फिर से चारों ओर से सिलाई लगा कर लेंगे। तो आपने देखा हमने चारों कॉर्नर किस सफाई से लगाए, ऊपर की तरफ हमारी सिलाई जरा भी नजर नहीं आ रही है, और यहाँ बाहर की तरफ भी सिलाई लगाते समय कोई सिलवट या प्लेट्स हमारी नहीं आएगी, बिल्कुल ये सफाई से हमारी प्लेन लेस बैठेगी। आप देख सकते हो यहाँ कॉर्नर में पूरे सफाई से हमारी सिलाई आ रही है। तो इसी तरह से मैंने चारों ओर से सिलाई लगा दी है। आशा करती हूँ ये पूरा ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय।